अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। देख लें कि सुबह सुबह मैं किधर हूँ। तो आज देख लें, कल मैंने आपको बताया था वेदर किस तरह था। दो दिन के लिए सिर्फ धूप निकली है, उसके बाद अगेन वेदर देख लें। सुबह सुबह बारिश, प्रॉपर बारिश नहीं हो रही। मैंने अम्ब्रेला हाथ में पकड़ी हुई है, ये देखें, लेकिन अम्ब्रेला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेके आई हूँ और अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो भी आए वॉक करने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे को मैसेज छोड़ देते हैं। तो चलें अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी, यूके में तो ज़्यादातर ठंड ही रहती है और बारिशें रहती हैं, लेकिन यह है कि अभी बारिशें हो रही हैं लेकिन ठंड नहीं है कि आप बाहर ना निकल सको। तो इसलिए फिर अभी तो हमने बनाया हुआ था प्लान के जो थोड़ी बहुत होती है वॉक कर लिया करेंगे। तो कभी कभी वो मुझे मैसेज छोड़ती है या कॉल भी करती है फिर कि सो ना जाए बंदा, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद इतनी माशाल्लाह से नींद आती है ना, यकीन करें, मेरी पौने चार बजे आँख खुल जाती है, कभी कभी तो 3 बजे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ फजर की, क्योंकि आप कह दो ना कि नहीं थोड़ी देर बाद ही उठ जाएंगे, फिर नहीं उठने होता। तो आपने भी बताना ये किस किस के साथ होता है। तो फिर फजर की नमाज जो ना रह जाती है। तो अभी और लोग भी नहीं आए हुए वॉक करने के लिए, मैं इसलिए निकल आई थी। मैंने कहा अगर मैं सो गई तो फिर मुझे नींद आ जाएगी, बेहतर है मैं 10 मिनट पहले निकल जाती हूँ। वैसे हम तकरीबन एग्जैक्ट टाइम पर निकलती हैं दोनों तीनों फ्रेंड्स जो हैं। तो लेकिन आज वो भी नहीं आई, तो इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ और उसको मैसेज भी छोड़ा है, कॉल भी की है, क्योंकि वो भी कई दफ़ा हम आपस में बहुत फ़नी होता है। वो कहती है मैं सोफे ते लेटी ते मेरी आँख ही लग गई। मैं भी आगे से यही कह रही थी, मैं सोफे ते बैठी तो मेरी आँख लग गई। तो ये सिलसिला चल रहा है कुछ। तो ये उधर जो है खड़ी हुई है ना, ये एक है काली, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये देखें उसने कितना कुछ रखा हुआ है, दूर से कर रही है क्योंकि वो देख रहे तो शायद माइंड करे कि मेरी मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रही है। उसने अम्ब्रेला रखी हुई है, इतनी ढेर सारी चीज़ें वो लेके आती है, बड़ा सा बैग बना के मुड़ के इधर ना देखने लग जाए, क्योंकि उसे बड़ी होती है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसने पीछे अपनी बैग के पता नहीं क्या डाला होता है, ईंटें लगती हैं हमें, तो हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं सब, तो सभी लोग जो यहाँ पे वॉक करने आते हैं सभी को पता है। तो ये देखिए पता नहीं क्या करती फिर रही है, ये पता नहीं क्या क्या खेलती है, ये क्या क्या इसने साथ में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, और पीछे इसने वो डाली हुई है ईंटें हैं, पता नहीं लकड़ियाँ हैं, वो लगती वो ईंटों की शेप की हैं। तो उनके साथ फिर ये इसने ये जो साथ में जालियाँ लगी हुई हैं इस प्ले ग्राउंड की, उसकी रस्सियाँ उसके साथ बांध के फिर उसके साथ ये अजीब से स्टाइल में झूलती है। तो वो टोपी इसने ऐसे, अभी अभी आपने नोटिस किया होगा उसने टोपी सर पे ली हुई है, और टोपी उसके सर पे ही रहती है, टोपी इधर उधर नहीं होती। और अगर सामने से मेरी, काफ़ी अरसे से मैं 2-3 सालों से यही कर रही है, लेकिन अगर सामने से मेरी नज़र पड़ जाती है ना, जैसे मैं आ रही हूँ और वो जा रही है, कभी कभी मैं लेट आई हूँ और वो सुबह सुबह आ जाती है 7 बजे वो आ जाती है, हम लोग तो 9 बजे 9:30 बजे ऐसे करके निकलती हैं, वो 7 बजे आ जाती है। और फिर यहाँ पे कोई बंदा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आराम से स्टोरी सुना लूँ। तो वैसे तो फिर कई लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं ये पागल है जो खुद से ही बातें कर रही है। तो अगर टोपी इसने सर पे रखी होती है, और अगर इसकी टोपी बंदा आगे से नज़र आ रहा हो ना, तो ये टोपी को और नीचे कर लेती है, लाइक उसका चेहरा ना नज़र आए। हमें तो पूरी उसे डर लगता कि
माइंड ना कर जाए या कुछ और ना बोलने लग जाए हम लोग, तो सभी जो भी यहाँ पे पापा आते हैं वो उसमें कोई लाइक उसकी तरफ देखते वगैरह नहीं है, ना उसमें कोई उसे कुछ कहते हैं ना कोई बात करता है उससे, क्योंकि वो खुद भी किसी से बात नहीं करती। तो ये है इसकी स्टोरी। तो अभी मैं करती हूँ वॉक और अपनी फ्रेंड का करूँगी वेट, उसको मैंने कॉल की हुई यार, मैसेज भी छोड़ा हुआ है, वो भी अभी आती है, मेरे पीछे भी एक कपल आ रहा है हस्बैंड वाइफ, वो भी वॉक उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, अभी सब लोग आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कौन कौन आया यहाँ पे अभी। तो शायद वेदर को देख के भी और बच्चों को हॉलीडेज हो गई हैं, फिर बंदा सुस्त हो जाता है। मेरी भी आँख खुल गई थी, मैंने कहा आँख खुल गई है तब हो ही आती हूँ बजाय घर में बैठी रहूँ, चले थोड़ी बहुत तो बंदा करता है ना। वैसे तो हम लोगों ने अपना एम बनाया हुआ था कि 10,000 जो है ना वॉक, 10,000 स्टेप जो है वो हमने करने हैं डेली, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लेते हैं, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं अगर मैं कहीं हो जाती हूँ तो, उनके भी हो जाते हैं अगर वो कहीं हो जाती हैं वॉक करके, तो 10 तो हमारे डेली के हो ही जाते हैं लाजमी। तो 10 का ही हमने रखा होता है कि 10 जो है ना 10,000 जी। तो यहाँ पर देखने गुलेरी अपना काम लगी हुई है, वो कोई ना कोई चीज़ उठा के इतने अच्छे से स्टाइल में वो खा रही होती है ना, तो उसको कैप्चर करने को दिल कर जाता है हमेशा ही। कई दफ़ा मैंने कैप्चर किया, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वहाँ पर, क्योंकि ढेर सारी वहाँ पे होती हैं, तो ये देख लें वेदर हालांकि है उस तरह ही, कभी बारिश हो रही है कभी रुक रही है। मेरी फ्रेंड ने अभी आई थी तो ये देखें लोग आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं, उस साइड पर भी जा रहे थे लोग, इधर सामने भी जा रहे थे, तो मैं भी घर आ गई थी। घर आ के फिर मैंने सोचा कि मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, ज़ीशान भी उठा हुआ था, मैं जब घर आई हूँ तो मैंने कहा ज़ीशान को भी नाश्ता देती हूँ और अपना भी नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी, तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को शेयर भी, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बहुत से लोग अब ये भी कहते हैं कि इतना मुश्किल काम है कैसे कर लेती हो, तो कोई नहीं अभी सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं हुए तो इतनी मेहनत करती हो, इसमें कोई शक नहीं, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यकीन आपकी सोच है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली इस तरह की आपको एडिट भी खुद करना है, आपको वीडियो बनानी भी खुद है, एडिट भी खुद करनी है, वॉइस ओवर भी खुद करना है, जो भी करना है आपने लाइक टोटली आपने करना है, बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ से, कि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो थोड़ी बहुत जो मैं उनके साथ बना लेती हूँ खुद उनको इन्वॉल्व करती हूँ थोड़ा बहुत तो वो आ जाते हैं, वैसे उन्हें कोई बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि होता है ना कि जैसे होता है कि बच्चों को भी बहुत शौक होता है या घर में और मेंबर्स को भी, किसी को भी कोई शौक नहीं है, ये मैं अपने ही शौक की वजह से करती हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, यकीन करें एडिट करते हुए तो कभी कभी मेरे सर में दर्द होने लग जाती है, और कभी कभी वॉइस ओवर करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि घर में कोई बंदा ना हो या सामने ना कोई हो, क्योंकि इधर उधर से आवाज़ें आ रही है, तो इसीलिए तो आप ओरिजिनल वॉइस में भी व्लॉग नहीं बना सकते, क्योंकि घर में फैमिली हर वक्त होती है तो आप उस तरह नहीं बना सकते, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई म्यूज़िक चल रहा होता है या कुछ भी घर में कुछ भी बातें कर रही होती हैं ऊँची आवाज़ में, फिर भी समझ नहीं आती, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने नाश्ता भी कर लिया था यहाँ पे बातों बातों में, ये देखे मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि मैं मार्केट में हूँ तो तुम यहाँ वहाँ पर आ जाओ, तो मैं वहाँ पर उसके साथ गई हुई थी, लेकिन वहाँ इतनी बारिश साथ साथ बारिश भी हो रही थी, हम लोग अम्ब्रेला लेके गए हुए थे तो लोग भी अभी काम आए हुए थे, क्योंकि अभी 9:30-10 बजे का टाइम था तो लोग भी इतने ज़्यादा भी नहीं आए हुए थे, आएंगे लोग अगर दिन में थोड़ा सा वेदर अच्छा होएगा तो फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। कई दफ़ा मैंने आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग साइड मार्केट की वीडियो दी है, तो यहाँ पर जी कर रहा था ज़ीशान कर रहा था नाश्ता अपना, मैं उधर से वापस आई हूँ तो उस वक्त उसने नहीं किया था जब मैंने किया था, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, तो इसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो लंच के टाइम पे मैं ये बना रही थी यहाँ पर, आज बनाने थे चने और चिकन, तो मैंने सोचा कि चने दाल काफ़ी दिनों से मैंने सेम ही होता, लेकिन ये है कि मैंने कहा चले चिकन थोड़े से डिफरेंट हो जाएगा, चने डाल के बना लेती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने चने बॉयल जो थे वही वाले घर में पड़े हुए थे जो कैन में होते हैं, तो वही वाले डाल के मैंने बच्चों के लिए लंच के लिए ये बनाया था, साथ ही आटा वगैरह गूंदा, आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो सारे काम कर लिए थे माशाल्लाह, सारा कुछ ख़त्म हो गया था। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, जो शुरू में मैंने स्टोरी सुनाई आप पता नहीं बोर तो नहीं हो गए थे उस स्टोरी से, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सी, उस जो आई थिंक साउथ अफ्रीका से या पता नहीं किस कंट्री से वो आई हुई है लेडी जिनके बारे में मैं बता रही थी, तो बड़ी मुझे तो इंटरेस्टिंग वो स्टोरी लगी आपको बताते हुए भी। आज मैंने कहा कोई भी पार्क में नहीं था, वरना लोग कहेंगे कि पागल है खुद ही अकेली बोलती जा रही है क्या बातें कर रही है,
सो तो मैंने सोचा कि आज ही मैं आप लोगों को वो स्टोरी बना दे बता देती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखना है और मुझे अभी अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।